बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग कह रहे होंगे। माय नेम इज़ हैदर अब्बास, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज हम अपने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो रिलेटेड टू है टोपोलॉजीज की, नेटवर्क टोपोलॉजीज होती क्या हैं, फिर उसकी डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे एंड हम नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स को भी देखेंगे। बट आज मैं आपको आज के लेक्चर से देने से पहले टुडे जो अपने लास्ट टाइम स्टडी किया था, लास्ट लेक्चर थोड़ा रिकैप दूंगा और फौरन मूव कर जाऊँ टुडे लेक्चर जो हमने स्टडी करना है। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि आपके पास जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक कि हमने वैन को देखा था, हमने वाइड एरिया नेटवर्क को हमने स्टडी किया था, लैन को देखा था, लोकल एरिया नेटवर्क को स्टडी किया था और मैन को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को भी हमने स्टडी किया था। देन हमने उसके बाद यूजेस देखे थे कि कौन कौन से यूजेस होते हैं, कि कहाँ कहाँ पे हमने इसको इंटरनेट अप्लाई करते हैं, नेटवर्क के हमने यूजेस देखे थे। देन हमने उसके बाद लास्ट में हमने मॉडल नेटवर्क मॉडल को स्टडी किया था कि नेटवर्क के कौन कौन से मॉडल होते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, सेकंड वन था हमारे पास पेयर टू पेयर मॉडल और लास्ट वन जो हमारे पास था वो था हाइब्रिड के, जो दोनों का मिक्सचर होगा, उसमें क्लाइंट भी होगा, सर्वर आर्किटेक्चर भी होगा, मॉडल भी होगा और आपके पास पेयर टू पेयर मॉडल भी इसमें इंक्लूड होगा हाइब्रिड में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेटेड टू है नेटवर्क टोपोलॉजी की, नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है। बेसिकली अगर हम उसके इंट्रोडक्शन में देखें कि नेटवर्क बेसिकली होता है कि दो चीज़ों को आपस में मिलाना। तो टोपोलॉजी क्या होता है कि आप जो दो नेटवर्क को मिलाने जा रहे हैं वो किस तरह से मिलाएंगे, उनकी अरेंजमेंट क्या होगी, फिजिकली वो दोनों चीज़ें किस तरह से नज़र आएंगी। तो आप उन दोनों का अरेंजमेंट देखेंगे कि हमने एक चीज़ बनानी है तो उसको किस तरह से बनाना है, हमें सबसे ज़्यादा सूटेबल किस तरह से वो लगेगी, तो उसको हम लोग कहते हैं टोपोलॉजीज, कि हमने फिजिकल अरेंजमेंट देखनी है अपने नेटवर्क की कि कौन सा नेटवर्क कहाँ पर ज़्यादा सूटेबल ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। अब अगर हम इसकी टाइप देखें नेटवर्क टोपोलॉजी की, टाइप्स कौन कौन सी हैं, फर्स्ट वन टाइप देखें बस टोपोलॉजी क्या होती है कि बस टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी होती है कि जिसमें आपके पास सारे के सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, सारे सारे नोड्स होते हैं, वो एक बस में, जैसे कि हमारी बड़ी बस होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सेम इसी तरीके से जो हमारे सारे कंप्यूटर होते हैं वो एक बस में शेप में होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। लाइक जिस तरह से हमारे जो कंप्यूटर लैब होती है स्कूल की कॉलेज की, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट में बस टोपोलॉजी में कनेक्टेड होती है, उसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, अगर हम इसकी डिसएडवांटेज देखें, ड्रॉबैक देखें तो ड्रॉबैक में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर इसका एक टर्मिनल भी ख़राब हो गया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसके ऊपर, आपके टोपोलॉजी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। बट अगर आपकी जो मेन केबल इसके जरिए वो कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, उसका पूरे के ऊपर सिस्टम डाउन हो जाएगा। लाइक वाइज अगर हम एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल कॉमन लाइफ एग्जाम्पल देंगे, देखकर समझाने की कोशिश करूँगा। अगर एक मार्केट की मेन सड़क जो है वो ख़राब है, तो अगर उसकी एक मार्केट की अगर एक शॉप बंद है तो उसका मार्केट कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पूरी मार्केट चलती रहेगी। बट अगर उसकी मेन सड़क ख़राब हो गई है मार्केट, तो लोग कस्टमर नहीं आएंगे, तो उसका पूरी की पूरी मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा। सेम इसी तरीके से बस टोपोलॉजी में क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारा एक कंप्यूटर ख़राब है तो उसका सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट अगर उसकी जो मेन वायर ख़राब है जिसके जरिए सारे सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हुए हुए हैं, तो पूरे का पूरा सिस्टम आपको डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है रिंग टोपोलॉजी। एक ऐसी टोपोलॉजी थी जिसके बाद आपके पास सारे के सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो सारे के सारे नोड्स होते हैं, वो आपके पास एक रिंग में कनेक्टेड होते हैं, एक सर्कल में कनेक्ट होते हैं, कि ए ने अगर कोई मैसेज सेंड करना है बी सी को, तो पहले बी पे आएगा, देन वो सी पर आएगा, फिर डी पे, इसमें वो सामान मूव करता रहेगा एक सर्कल की फॉर्म में, एक रिंग की फॉर्म में। तो रिंग टोपोलॉजी का ड्रॉबैक ये है कि अगर आपका एक भी नोड ख़राब हो जाए तो आगे मैसेज पास नहीं होगा, अगर आपका एक भी नोड ख़राब हो गया तो आगे मैसेज पास ही नहीं होगा, क्योंकि ए ने अगर मैसेज डी को सेंड करना तो बी में अगर से पहले बी पे आएगा फिर सी पे, अगर उन दोनों में से एक भी ख़राब हो तो आगे मैसेज पास ही नहीं करेगा, तो क्या होगा, आपका मैसेज, आपका सिस्टम वहीं पे डाउन होकर रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये है स्टार टोपोलॉजी आपके पास क्या करती है, स्टार टोपोलॉजी एक स्टार की फॉर्म में होती है कि सारे जो कंप्यूटर होते हैं आपके पास वो सारे के सारे एक सेंट्रल हब में कनेक्टेड होते हैं। लाइक वाइज जैसा कि हमारा वाईफाई का राउटर होता है, हमारा वाईफाई की डिवाइस होती है कि हमारे जो भी कस्टमर हैं या जो कंज्यूमर हैं या जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, जो हमारे नोड्स हैं, जो हमारे मोबाइल्स हैं, वो डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं, डिफरेंट पोजीशंस पे होते हैं, तो वो लोग कनेक्ट कर लेते हैं इजीली कहीं पे भी आपको पासवर्ड डाल के। तो जो मेन किससे कनेक्ट होते हैं, वो मेन एक हब के जरिए कनेक्ट हो रहे थे, सारी कम्युनिकेशन उस हब के जरिए ही थ्रू हो रही थी, कि अगर एक मैसेज ए ने बी को सेंड करना है तो पहले मैसेज ए का हब पे आएगा, उस राउटर पे आएगा, देन राउटर सेंड करेगा कि उसे देखना है किसको मैसेज किया गया, बी को, तो फौरन वो बी के पास चला जाएगा आपका। इसका अगर हम ड्रॉबैक देखें तो अगर इसमें से एक कंप्यूटर भी ख़राब हो जाए तो उसका नेटवर्क को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर जो मेन हब है जिसके जरिए कम्युनिकेशन हो रही अगर उनमें वो हब ख़राब हो गया तो आपकी कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पे आती है ट्री टोपोलॉजी।
ट्री टोपोलॉजी क्या करती है, बेसिकली ट्री टोपोलॉजी करती है आपके पास ये एक बस में होती है, ये मेन जो उसकी होती है कनेक्शन होती है ये बस में होती है, बट जो उसके साइडों पे नोड्स होती हैं कनेक्टेड होती हैं वो एक स्टार टोपोलॉजी होती हैं, कि एक बस कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी एंड वन बस टोपोलॉजी इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी, की ये कम्बिनेशन होता है स्टार टोपोलॉजी का और बस टोपोलॉजी का। जिस तरह से एक दरख्त का ट्री का मेन एक रूट होता है जो वो एक ही होता है, तो बस की हम उसको एक बस कंसीडर करेंगे, देन जो उसके साइडों पर जो पत्ते होते हैं जो उसकी रूट जो उसकी शाखी निकल रही होती है तो हम उसको एक स्टार टोपोलॉजी कंसिडर करेंगे, तो कम्बिनेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आती है मैश टोपोलॉजी, कि मैश टोपोलॉजी क्या होती है, जो आजकल हमारी जो मॉडर्न जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो मैश टोपोलॉजी यूज हो रही है। मैश टोपोलॉजी में आपके पास क्या होता है कि जिसको आपने मैसेज करना है वो डायरेक्टली उसके पास जाएगा, सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, लाइक जैसा कि हमारे मोबाइल सिस्टम्स हैं कि जिसको हमने कॉल या मैसेज करनी है, जिसका हम नंबर टाइप करेंगे कॉल या मैसेज उसी के पास जाएगा, ना कि किसी और के पास जाएगा। सेम इस तरीके से इस मैश टोपोलॉजी में सारे सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसके जरिए वो कम्युनिकेशन करते हैं। अगर कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सारे के सारे इंडिपेंडेंटली आजादी से अपना वर्क कर रहे होते हैं कि ए ने बी को करना है, ए ने डी को करना है, जिस मर्जी को करना है, वो फ्रीली काम या मैसेज कम्युनिकेशन इजीली कर सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेटवर्क स्टैंडर्ड, कि नेटवर्क स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं। अगर इंट्रोडक्शन था कि नेटवर्क की, जिसमें कि हमारा कोई जॉब आती है तो जॉब के कोई क्राइटेरिया होता है कि आपने ये क्राइटेरिया पे जो कैंडिडेट मीट करेगा तो वो हमारे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आ सकता है। सेम इसी तरीके से जो नेटवर्क कोई ना कोई स्टैंडर्ड होगी कि हम इस स्टैंडर्ड को मेजर करेंगे, आपने जो ये करना है जो स्टैंडर्ड हो गए कि आपने जो नेटवर्क जो कम्युनिकेशन इस स्टैंडर्ड को मेजर कर रहा होगा हमने उसको फॉलो करना है, उसको हम नेटवर्क स्टैंडर्ड का नाम दे देंगे। अब इसके बाद हमारी टाइप्स होती हैं डिफरेंट, फर्स्ट वन आती है डिफैक्टो, डिफेक्टो स्टैंडर्ड। डिफेक्टो क्या होता है, कोई फैक्ट से करना बाय ट्रेडिशनल होता है कि आपने कोई फैक्ट है, आपने उस फैक्ट की बेस पे अपने पास एक्सपीरियंस की बुनियाद पर उसका कोई ना कोई अमल कर रहे हैं, कोई उसकी बेस पे आप कोई फैसला लेने जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं डिफेक्टो। और हमारा सेकंड होता है डी जो स्टैंडर्ड। डी जो स्टैंडर्ड में क्या होता है, आपने कोई बाय ट्रेडिशनल कोई काम करे तो ट्रेडिशनल आपके पीछे से काम होता आ रहा चलता आ रहा, उसी को कंटिन्यू करते हैं और आप उसी को लेकर चल रहे होते हैं। मैं आपको आज के लेक्चर रिकैप देता हूं, हमने क्या स्टडी किया। फर्स्ट पर हमने देखा कि नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या, उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा, देन उसकी टाइप्स को देखा। फर्स्ट हमारे बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपके सारे सारे कंप्यूटर एक बस में की तरह कनेक्ट होते हैं, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट होते हैं, तो अगर उसकी मेन लाइन खराब हो जाए तो आपका पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा, इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट वन होता है कि रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है सारे सारे कंप्यूटर्स आपके एक सर्कल में कनेक्टेड होते हैं, अगर आपका एक भी कंप्यूटर खराब है तो आपका सिस्टम आगे मूव नहीं करेगा, कम्युनिकेशन आपकी स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। थर्ड वन हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या करता है, आपकी सारे कंप्यूटर एक स्टार की तरह में फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं रिमोटली, देन वो सारे एक हब के सेंट्रल हब के जरिए कनेक्टेड होते हैं, अगर सेंट्रल हब खराब हो जाए तो सिस्टम आपका डाउन हो जाएगा। फोर्थ वन आती है हमारे पर ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी बेसिकली क्या करती है कि ये कम्बिनेशन है दो टोपोलॉजी का, बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी, जिसमें एक बस होती है और मल्टीपल आपके स्टार टोपोलॉजी होती है जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। लास्ट वन हमारे पास मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी आपके पास क्या करती है कि आपने मैश सारे कंप्यूटर डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट, अगर ए ने डी को मैसेज करना है तो डायरेक्टली वो डी को मैसेज करेगा, ना कि उसको सी या बी का सहारा लेना पड़ेगा। नेटवर्क स्टैंडर्ड, नेटवर्क स्टैंडर्ड में देखा कि नेटवर्क के कोई स्टैंडर्ड होते हैं जिनके मेजरमेंट हम देखते हैं उसको मेजर करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए कि कौन सा बेस्ट वन है। फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स की, फर्स्ट वन डिफेक्टो जो दो आपका बाय ट्रेडिशनल वर्क कर रहा होता है कि उसको जो पीछे से आपका चलती है वही काम करता है, और जोर कि आप कोई ना कोई फैक्ट के जरिए उसको काम करते हैं कि उसकी कोई ना कोई रीज़न होगी और आप वो काम करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पे मेंशन है कि पॉसिबल शॉर्ट है, डिफाइन टोपोलॉजी, आपने टोपोलॉजी को डिफाइन करना है, डिफाइन मैश टोपोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन स्टार टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी, और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग है डिफाइन टोपोलॉजी और एक्सप्लेन इस टाइप इन डिटेल। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, इसलिए अभी कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल एक्सरसाइज एकेडमी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया।